ये वास्तु की शुरुआत है। अभी तक तो हम जमीन को देख रहे थे, जमीन को वास्तु से रिलेट करना कोई जरूरी नहीं है। जमीन कैसे अच्छी होनी चाहिए, कोई बर्तन देखेंगे तो बर्तन कैसे अच्छी होनी चाहिए, जरूरी नहीं है उसको खाना बनाने के लिए लें या कोई दैनिक जीवन के उपयोग के लिए ही लें। वो बर्तन अच्छी है या नहीं है, क्वालिटी क्या है, उस हिसाब से देख रहे थे जमीन को। अब आगे हमारा काम क्या है, कैसे उसको लेना है, इसके लिए देख रहे हैं। वास्तु पुरुष मंडल है क्या, एक्चुअली ये क्यों बना, वास्तु पुरुष मंडल क्यों बनाया गया, वास्तु पुरुष है कौन, वास्तव में कोई वास्तु पुरुष ऐसे कोई आदमी हमारे आपके जैसे पुरुष हैं, कोई आदमी है जो वास्तु पुरुष हैं, या वास्तु पुरुष किसी तरह से मान के बनाया गया, इसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे पुरुष मंडल के बारे में। चार प्रकार के युग हैं अभी तक जो हुए हैं ना, चार प्रकार के युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और अभी जो हम लोग जी रहे हैं कलयुग में। वास्तु त्रेता युग में पैदा हुआ था, बनाया गया वास्तु को त्रेता युग में बनाया गया। ये एक हीलिंग साइंस है जो हमारे जीवन पे, हमारे भाग्य पे, हमारे जीवन को अलग अलग तरीके से सुरक्षित करता है। ये उस प्रकार का विज्ञान है। विज्ञान मीन्स विशेष ज्ञान। वास्तु पुरुष मंडल को जो बनाया गया त्रेता युग में बनाया गया। मैं बहुत बार कहता हूँ सत्व एनर्जी, रज एनर्जी और तम एनर्जी। एक बार मैं इसके बारे में बोल चुका हूँ पूरी तरह से, ये तीनों एनर्जी क्या होती हैं। उस बारे क्लास को मैं बहुत ज़्यादा आगे नहीं ले गया, उसमें वास्तु में जब मैं इसको रेमेडियल पार्ट में ले जाऊँगा तो मैं उसको आगे ले जाऊँगा। तीन गुण हैं हमारे अंदर, वो तत्व नहीं है, तीन प्रकार के गुण हैं हमारे अंदर, चलने वाला, ठहरने वाला और बैलेंस वाला, ये तीन गुण हैं। जो सतयुग के आदमी थे, सत्य युग के जो आदमी थे वो सात्विक होते थे, अधिकतर आदमी सात्विक होते थे। उस टाइम तक लोगों के पास समस्या थी नहीं, समस्या अपने आप खत्म हो जाती थी। समस्या जो डेली के बेस में आई वो अपने आप खत्म हो जाती थी सतयुग वाले आदमी में। उस टाइम में वास्तु पुरुष की रचना की नहीं गई थी, वास्तु पुरुष आया ही नहीं था, वास्तु के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। ज्योतिष चल रहा था उस टाइम में, तारों की गिनती थी, नक्षत्रों की गिनती थी, नक्षत्र वगैरह सारी चीज़ें उस टाइम में थी, ग्रह की गणना आ गई थी सतयुग में भी। वो उस साइंस से ही अपने आप को ठीक कर रहे थे, इसी साइंस से बहुत अच्छा खासा वो लोग चल रहे थे। इसके बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग में रजस की एनर्जी बढ़ी, रजस मतलब चलने वाली, दौड़ने वाली एनर्जी बढ़ी। दौड़ने वाली जैसी दौड़ बढ़ी लोगों में तो कहानी अब इसमें, यहां पर आके कहानियां कई सारी हैं। कहानी इसमें सबसे पहली कहानी यह है जो मेरे समझ में आती है और जो एक्चुअल होनी चाहिए, वो ये है रजस की एनर्जी जैसी आप में बढ़ेगी। एक सात्विक आदमी को आप ले लो, सीधा शरीर से कनेक्ट करके आप इसको देखिए, एक सात्विक आदमी को आप ले लो, सात्विक मतलब अल्फा वेव्स पे बैठा हुआ आदमी, उसका शरीर अल्फा वेव्स पे हो। अगर शरीर अल्फा वेव्स पे है, अल्फा से जब बीटा वेव्स पे जाएगा तो अंदर ही अंदर हलन चलन बढ़ेगी ना, उसके अंदर अंदर ही अंदर हलन चलन बढ़ेगी, रजस बढ़ेगा उसका, रजस बढ़ना शुरू हो जाएगा। रजस एनर्जी जो होती है, रजस गुण जो है उसके अंदर, वो रजस एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी। त्रेता युग में रजस एनर्जी बढ़नी शुरू हो गई और ज्यादा से ज्यादा बढ़नी शुरू हो गई। ज्यादा लोग मकान बनाने लगे, ज्यादा लोग रहने लगे, अलग अलग तरह से लोग जीने लगे। इसमें रजस एनर्जी बढ़ने लगी वहां पर। इस एनर्जी के बाद जो इसकी जो इसका जो ड्रॉबैक आया, छाया एनर्जी होती है, हर पॉजिटिव एनर्जी की एक छाया एनर्जी होती है। कार्ल गुस्ताफ जुंग के नाम से एक फिलोसफर हुए, उन्होंने छाया एनर्जी पे बहुत सालों तक वर्क किया। उन्होंने ये बताया कि हर एनर्जी की एक छाया एनर्जी होती है, हर पॉजिटिव एनर्जी की पैरेलल में एक निगेटिव एनर्जी चल रही होती है। जैसी आपने रजस बढ़ाया बढ़ने के लिए, ऐसी इधर से एक काली एनर्जी बढ़नी शुरू हो गई, काली छाया, जिसको कहानी में बाद में अंधकासुर कहा गया और उसको मारने के लिए शिव से उसकी लड़ाई हुई और शिव के पसीने से जो लड़ाई हुई ना, उसमें जो घर्षण पैदा हुआ, शरीर में फ्रिक्शन पैदा हुआ, उसके पसीने से वास्तु पुरुष का जन्म हुआ। जिस देवता का जन्म हुआ
वो ऐसे हुए कि नरभक्षी हो गए, वो नर असुर जो भी सुर असुर नाग जो भी योनि के आदमी थे सबको मारना पीटना शुरू कर दिया। ये बाद की कहानी है, त्रेता युग की जो कहानी है और सही वाली सटीक वाली जो कहानी है वो ये है कि जब आदमी रजस की तरफ भागने लगा तो उस टाइम के ऋषि मुनियों के पास जितनी खोज उनकी जो अपनी रिसर्चेस थे उनके, उस हिसाब से उन्होंने घर के अंदर की चीजों को सेट करना चाहा। घर के अंदर की चीजों को सेट करना क्या चाहा? रजस एनर्जी कौन हो गए? ब्रह्मा जी। रजस एनर्जी ब्रह्मा जी होते हैं और तमस एनर्जी शिव होते हैं, बैलेंस एनर्जी विष्णु होते हैं, अगर त्रिदेव में देखने जाएंगे तो। रजस एनर्जी हो गए ब्रह्मा जी। अब यहां से ब्रह्मा जी जब बढ़े तो ब्रह्मा जी से पूछा गया कि अब ये एनर्जी सही कैसे होगी, तो यहां पर शास्त्र कहता है ब्रह्मा जी के चार मुख हुए, विश्वकर्मा, विश्वकर्मा के चार मुख हुए, उनके भी चार मुख हैं, ब्रह्मा जी के भी चार मुख हैं इनका। अब उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया, उन्होंने कहानी रची जिससे आपके समझ में आए और एक शास्त्र बने। कहानी कैसे रची आप ध्यान रखिए, ध्यान दीजिएगा, हम लोग जब, मैं जब बच्चा था और मेरे एज के जितने लोग होंगे वो जब बच्चे होंगे, हम लोग पढ़ते थे एप्पल, एप्पल मीन्स सेब, बॉल, बॉल मीन्स बॉल, कैट, कैट मीन्स बिल्ली, याद करते थे। आज के टाइम में आप जाएंगे प्री नर्सरी वगैरह में तो एप्पल ऐसे बताते हैं, एप्पल, ये एप्पल दिखाते हैं और दिस इज एप्पल, सीधा सीधा बता देते हैं कहानी के रूप में। एक कहानी ऐसे देते हैं कि कहानी के रूप में आपको पिक्चर, 3 घंटे की पिक्चर पूरी की पूरी याद रहती है अगर कहानी के रूप में बताई जाए तो। अगर कहानी कुछ समझाए तो पूरा का पूरा याद रहता है, वही अगर पढ़ने के लिए दे दे तो याद नहीं रहेगा आपको। तो कहानी के रूप में उन्होंने आगे देना शुरू किया इसको, कहानी के रूप में देना क्या शुरू किया, अब उन्होंने शादियां करानी शुरू कर दी देव की। ये कहानी दिया कि एक अंधकासुर के नाम से अंधेरा और उजाले में जब लड़ाई हुई तो उजाला, उजाले को कैसे जिताना है। विश्वामित्र के चार मुंह हुए, एक मुंह पूरब की तरफ है, एक मुंह दक्षिण की तरफ है, एक वेस्ट की तरफ और एक नॉर्थ की तरफ, उसके अलग अलग नाम दिए उन्होंने, विश्व भू बताया, विश्व विद बताया, विश्व स्रष्टा बताया और विश्वस्त बताया। जो पूरब की तरफ मुंह है उसका नाम विश्वभू बताया, जैसे हम लोग स्वयंभू कहते हैं ना, ये तो स्वयंभू हैं, अपने आप में खुद के जनक हैं। इस तरह से जो कनेक्ट होने के लिए, जानने के लिए बताया, पहचानने के लिए बताया, वो ईस्ट की तरफ बताया कि ये मुख इनका, इस मुख से इनका ये काम होता है। विश्वविद बताया जो दक्षिण की तरफ मुंह है उनका, जो पश्चिम की तरफ मुंह है वो विश्व स्रष्टा बताया, और विश्वस्त, विश्व को धरने वाला, विश्व में स्थित होने वाला, उत्तर की तरफ मुंह बताया। ये तो कहानी हो गई त्रेता युग वाली। अब इस युग में जो दूसरी कहानी जो हमारे हाथ में आई वो ये आई कि शिव और अंधकासुर में, ये इंडिकेशन है, जैसे आप इसको समझिएगा, गीता है हमारे हाथ में, गीता में क्या है, गीता में 18 अध्याय कृष्ण ने तब कहा था जब दो पक्ष वाले लड़ने के लिए खड़े थे, ये भी आतुर ये भी आतुर, दोनों तरफ से शंख बजा चुके थे, अब उन्होंने 18 अध्याय कहा। 18 अध्याय नॉर्मली अगर आप पढ़ोगे, समझाने की तो बात छोड़िए, बहुत ही डिटेलिंग में समझाया है 18 अध्याय को, अगर आप 18 अध्याय को नॉर्मली पढ़ने जाते हो केवल तो भी आपको एक अध्याय को पढ़ने में 1 घंटा लग जाएगा, और 18 अध्याय को पढ़ने में 18 घंटे, 15-16 घंटे तो आप सीधा सीधा समझ लो, 15-16 घंटे लोग वहां पर खड़े तो होंगे नहीं कि कृष्ण कुछ बोल रहे हैं और अर्जुन अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी शांत रहो, ऐसा दुर्योधन तो था नहीं, ऐसा दुशासन था नहीं, कौरव पूरे ऐसे नहीं थे सारे भाई, तो वहां पर क्या हुआ होगा, वहां एक इंडिकेशन दिया गया है हमें कि इस बीच में हुआ, कहानी कुछ और हुई। गीता जब घटी तो कहानी कुछ और घटी, एक और भी स्वप्न अवस्था होती है आदमी के, उसमें डाल दी जाती है, वो जल्दी से जल्दी घटित हो जाती है चीजें। इसी टाइप से हमारे हाथ में सारी चीजें आई हैं। अंधकासुर नाम का, जो अंधकासुर मतलब अंधेरा वाला, अंधेरे पक्ष से शिव लड़ने गए, उजाला पक्ष लड़ने गया, उस अब उजाला पक्ष को करना क्या चाहिए, तो उजाला पक्ष ने क्या किया, अंधेरे को परास्त करने के लिए एक ऐसी विद्या के रूप में हमारे हाथ में कुछ दिया,
जो वास्तु पुरुष आया। वास्तु पुरुष का मतलब क्या है, सीधा सीधा समझिए। हम क्या करते हैं, हम पिक्चर की भाषा समझते हैं। हम भगवान को भी, जो शिव हुए, हम शिव को एक रूप देकर धर लेते हैं, हम राम को एक रूप देकर धर लेते हैं, हम कृष्ण को एक रूप देकर धर लेते हैं कि कृष्ण ये हुए, अब इनकी पूजा करनी है। हम आकार को पूजने वाले लोग हैं। हमने वास्तु पुरुष बनाया, उसी हिसाब से हमने मकान को भी ये देखा कि जब चार दीवार एक जगह, जैसे आप कभी भी सूक्ष्म शरीर, आत्मा नहीं होता, सूक्ष्म शरीर के अंदर आत्मा है। सूक्ष्म शरीर अगर कभी जन्म ले ले, वो अंडे में चला जाए, तो अंडा अब आत्मा, आत्मा अब अंडे में हो गया, मतलब एक शरीर का रूप उसने धारण करना शुरू कर दिया। इसी तरह से जब आप चार दीवार दे देंगे रहने के लिए, चार दीवार खड़े करना शुरू कर देंगे, तो उसके अंदर घर की आत्मा आ जाती है। निर्जीव पदार्थ की जो आत्मा होती होगी, जो सजीव के लिए उसकी यात्रा बहुत बड़ी होती है, घर की आत्मा आ जाती है उसके अंदर। अब घर में भी हमने फिर वास्तु पुरुष का एक नाम दिया कि जो हम अब यहां पर जो पूजा करेंगे वो ये पुरुष। भीष्म पितामह को अपने गुरु को हराना था, सीधा समझिए, तो उन्होंने क्या किया, पहले उनको प्रणाम कर लिया और विजय भव का आशीर्वाद ले लिया। यहां भी आप क्या करते हैं, उस पूरे पुरुष को जो आपके लिए निगेटिव बन रहा था, उसको आपने नीचे लिटाया। उसके ऊपर आपके जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं, जितनी एनर्जी है, जो देवताएं हैं, 45 देवता, 459, 108, 108 जो हम पूजा करते हैं ना, और माला में जो 108 माला फेरते हैं, वो भी 9 का है। यहाँ न्यूमरोलॉजी बहुत काम आती है कि क्यों 45 देवता हुए। हमारे एनर्जी फील्ड जितनी है, जिस, या आप ये समझिए जितने हमारे काम होते हैं, ज्योतिष है ना, ज्योतिष में 12 घर हैं, 12 राशियों के 12 घर होते हैं, और 12 खाने के अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं, सबके अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं। उस टाइम तक उन्होंने देखा था कि इतने ही प्रॉब्लम हैं लोगों के पास, या इतने ही लाइफ के इतने ही क्षेत्र हैं। टाइम तक उनके पास जो प्रॉब्लम्स थी या चीजें थी, वो उतनी थी जो उन्होंने दिया, जो ज्योतिष के समय तक। ज्योतिष के बाद उन्होंने जब वास्तु लिए, तो उस टाइम तक प्रॉब्लम्स, जीवन की संख्या, जीवन को बढ़ने वाला क्षेत्र और ज्यादा हो गया था। ये त्रेता युग में 45 देवता को उनके ऊपर बिठा दिया गया, हर अंग पे अलग अलग प्रकार के देवता को बिठा दिया गया, जहां जो देवता फिट हो सकते थे, जिस दिशा के अनुरूप उन्होंने एक ये पूरी, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाया, एक शास्त्र बनाया, जिससे हमारे आपके जीवन में सहूलियत पैदा हो। वास्तु पुरुष यहीं से आए। वास्तु पुरुष को पहले आपको एक्टिवेट करना होता है, मानना होता है आपको कि अब मैं वास्तु पुरुष मानने जा रहा हूं। अन्यथा आप अगर एक विशेष धर्म में पैदा होते हैं, जिसमें, जिस धर्म का सदियों से ये चीजें फॉलो करती हुई आ रही हैं, आपके आपके अंदर की चीजें, आपका जीन, आपका डीएनए अगर इसी से होता हुआ आ रहा है, तो आपके ऊपर वो इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे दीपावली के रात में आप अपने आप में देखेंगे, एक बहुत खुशनुमा रात होती है आपके लिए। आप अगर होली के दिन देखेंगे, तो आपको अपने आप ही एक ऐसा लगेगा, मजा मजा सा आ रहा होगा, क्योंकि मास इफेक्ट होता है उस टाइम में।